अब हिंदी दिवस है तो नवाबों की शहर चलते हैं, लखनऊ। मानस जुड़ रहे हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुप्रभात आप सभी सर। को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो पिक है वो लाल पैथलैब है। लाल पैथलैब पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लाल पैथलैब लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। कल जब रिकवरी देखने को मिली तो इसने अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। वहां पर थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन तो डेफिनेटली हुआ है। तो लाल पैथलैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 2214 के आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और ऊपर की तरफ 2300 के टारगेट्स पॉसिबल है लाल पैथलैब में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लाल पैथलैब का 2240 वाला कॉल ऑप्शन, जो कि 69 रुपीज के आसपास क्लोजिंग थी उसकी, वहां पर आप खरीदारी करिए। 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए के टारगेट्स रखते हैं। ओके, मेट्रोपोलिस हेल्थ, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये सब डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के साथ हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। सत्वे साहब, गुड मॉर्निंग। रेडार पे आज कौन सा स्टॉक सर? आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, रडार पे बैंकिंग है। अगर आप बैंकिंग पूरा सेक्टर ही देखें तो कल हमने ओपन इंटरेस्ट, हम जो देखते हैं डेरिवेटिव्स में, तो कल ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है, ओपन इंटरेस्ट घटा है। बहुत सारे बैंकिंग काउंटर जो है ये अपने दिन के लोएस्ट लेवल से रिकवर हुए। तो आज मुझे लगता है थोड़ा बैंकिंग पे ही फोकस रखूंगा मैं। उसमें से दो काउंटर जो कल भी मैंने डिस्कस किए थे, एक था एक्सिस, एक था इंडसइंड। तो ये अगर एक के साथ जाना है तो देखिए, पैटर्न तो दोनों के अच्छे हैं, लेकिन एक्सिस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट 1000 के ऊपर का था। 1000 ये इसका नेकलाइन है। सो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 990 का, और इसका पहला टारगेट होगा 1040 का। लेकिन अगर कोई वक्त है तो मुझे लगता है ये 1100 की तरफ भाग रहा है, तो एक्सिस बैंक ये हमारी टॉप लिस्ट में होगा। एक्सिस बैंक बैंकिंग रडार पे सबसे प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन्स पर। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, आज का टॉपिक रहेगा डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एक काफी बेहतरीन राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बनाया है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक में काफी कंसोलिडेशन रहा है पिछले 10 से 15 दिन का, और कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद फाइनली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। तो इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 5738 इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 5940 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 5640 को। ओके, चलिए, ये हो गई अमित सेठ जी की पिक का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।